नमस्कार। देश के अलग अलग हिस्सों से इस समय वोटिंग की तमाम सारी खबरें आ रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि कहीं देश की जो 10 बड़ी सीटें हैं, जो 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड सीटें हैं, उनके ट्रेंड्स जरा आपको बताए जाएं। ये जो ट्रेंड का डेटा मैंने लिया है वो 1247 से 1248 या 1250 तक का डेटा है। तो अभी जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब तक और अपडेट आ गए होंगे, तो ये तब का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। 10 सीटों की अगर मैं शुरुआत करें, सबसे पहली सीट है जो बेगूसराय की सीट है, मोस्ट एंटिसिपेटेड, कन्हैया कुमार वर्सेस गिरिराज सिंह का सीधा मुकाबला है। यहां पे कन्हैया कुमार, जिनका स्वरा भास्कर से लेकर पूरा एक लेफ्ट इको सिस्टम उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था, वो तकरीबन 90,000 वोटों से इस समय पीछे चल रहे हैं। उसके बाद दूसरी सीट है गुरदासपुर की, जहां पे सनी देओल एक बड़े लीडर को उतारा बीजेपी ने, और वो इस समय यहां पे 50,000 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे। तीसरी बड़ी सीट है दोस्तों मथुरा की, यहां पे टेंट आरो का ऐड करने वाली हेमा मालिनी उतरी थी। इनके तमाम सारे मीम बनाए गए, कभी खेत में जाके फसल काट रही थी, लोगों ने कहा कि चुनावी फसल काट रही है, कभी ये ट्रक में बैठी तो कभी बीएमडब्ल्यू में, मगर ये भी यहाँ पे 60,000 सीटों से इस समय आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगली बड़ी सीट आती है दोस्तों अमेठी से। अमेठी में राहुल गांधी एक मोस्ट एंटिसिपेटेड सीट है। अमेठी में इन्हें डर लगा ऐसा लोगों ने कहा, तो इसके बाद इन्होंने वायनाड से उतरने का फैसला किया, और ये डर लगता है कि सही होता दिखाई दे रहा है। अमेठी में सुबह से लेके अभी तक स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में फासला है, वो कभी 1,000 वोट, कभी 5,000 वोट। इस समय की अगर बात करें तो अमेठी में राहुल गांधी 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर छोटा सा इतिहास अगर आपको मैं बताऊं तो 2009 में राहुल गांधी 400,000 वोटों से जीते थे तकरीबन, और 2014 में तकरीबन 100,000 वोटों से जीते थे, यानी जो वोट का मार्जिन है जीतने का वो लगातार कम हुआ है। इस बार ऐसा लग रहा है कि मार्जिन या तो और कम होगा, और अगर बहुत कुछ बड़ा अनप्रेसिडेंटेड देखें तो राहुल गांधी हार भी सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ या वोट का मार्जिन भी कम हुआ तो दोनों ही केसेस में राहुल गांधी के पास खोने के लिए सब कुछ है, मगर स्मृति ईरानी के पास ऐसा नहीं लगता कि खोने के लिए इस सीट में, अगर वो हार भी जाती हैं तब भी कुछ है। उसके बाद अगली बड़ी सीट पर अगर चलें तो भोपाल की सीट है, जो साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह का सीधा मुकाबला यहां पर है। उसमें साध्वी प्रज्ञा की बात करें तो 40,000 वोटों से आगे दिखाई देती हैं। उसके बाद बात करते हैं बेंगलोर साउथ की। बेंगलोर साउथ में तेजस्वी सूर्य एक बड़ा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा, एक छोटी उम्र के नेता हैं, युवा नेता हैं, राहुल गांधी की तरह युवा नेता नहीं है, वो तो 50 साल के युवा हैं, पता नहीं कब तक अंकल जी युवा रहेंगे, लेकिन तेजस्वी सूर्य असलियत में एक 20s में अपने एक इंसान है, और इनके खिलाफ अगर लेफ्ट इकोसिस्टम का देखें, बड़ा प्रोपेगेंडा चला, ध्रुव राठी से लेकर आकाश बैनर्जी ने इनका एक बड़ा एक वीडियो था 2 मिनट का, उसको क्रॉप कर करके 10 सेकंड का वीडियो दिखाया, उस पर भी एक वीडियो बनाया जा सकता है और कोशिश करूंगा कि बनाऊं भी। तेजस्वी सूर्य इस समय अगर बात तो 100,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अपनी सीट। उसके बाद अगर बात करें पटना साहिब की, जहां पे बीजेपी से पहले होने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, इन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस से उतरे, और बीजेपी ने यहां से अपने बड़े कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद को उतारा। यहां पे अगर बात करें तो रविशंकर प्रसाद तकरीबन 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगली सीट की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट आती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े कांग्रेसी लीडर हैं, और ये यहां पर अपनी सीट में 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक यहां पर ट्रेंड एकदम साफ दिखाई देता है ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अमेठी तक की सीट में, कि देश में डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है उसको देश की जो पॉपुलेशन है वो पसंद नहीं कर रही है। अगली सीट आ रही है वायनाड की दोस्तों, और वायनाड मुझे लगता है एक अकेली सीट है जहां पे कांग्रेस को कुछ पॉजिटिव नतीजे दिख रहे हैं। अमेठी में ऐसा लगा जब हाई वोल्टेज मुकाबला होगा और कहीं राहुल गांधी हार ना जाए, तो वायनाड की एक सीट में राहुल गांधी उतरे और यहां पर अकेले वो 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे। इसके बाद एक और बड़ी सीट है जिसपे मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, आतिशी और गौतम गंभीर की सीट। इस सीट में दोस्तों आतिशी ने गौतम गंभीर के ऊपर तमाम सारे मर्ज लजिंग जैसे काम करे, कभी उनके वोटर आईडी को लेकर, कभी एक पर्चा निकाल दिया गया, कहा कि गौतम गंभीर बंटवाना, जबकि कोई प्रूफ नहीं था। इसके अभी तक दोस्तों, जब तक मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं, कोई ट्रेंड नहीं आ रहे हैं। इस पर भी आएगा तो ट्रेंड मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट करके बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ओवरऑल नतीजों की बात करें तो बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए का कोएलिशन है वो 340-350 सीटों पर आगे चल रहा है लगभग, और जो कांग्रेस है और कांग्रेस का जो अलायंस है यूपीए, वो 90 सीटों का आंकड़े पे इधर उधर दिख रहा है, 100 सीटें अभी उसकी सेंचुरी नहीं कंप्लीट होती दिख रही है। और दोस्तों अगर आपको इन सारे नतीजे जो मैंने आपको बताया, अगर इनको आप समरी में देखें, तो मैं एक फोटो से इन सारी चीजों को समराइज कर सकता हूं। ये फोटो है दोस्तों एक लाइव स्ट्रीम की, जो कि ध्रुव राठी, कुणाल कामरा और आकाश बैनर्जी एक साथ करने वाले थे। कुणाल कामरा यहां पे दिखाई नहीं दे रहे, मगर इन सारे लोगों के जो बचे हुए लोग हैं उनके चेहरे देख के आपको इस पूरी की पूरी वीडियो की समरी एक साथ पता चल सकती है। और दोस्तों एक बड़ी खबर आंध्रा से भी आ रही है, जहां पे चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के बीच में सीधा मुकाबला था। ये मुकाबला दोस्तों लोकसभा चुनाव का नहीं था, बल्कि वहां के असेंबली इलेक्शन का था, जो इस बार की लोकसभा चुनाव के साथ में हो रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड मूव में जगन मोहन रेड्डी ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू वहां पे आज इस्तीफा दे सकते हैं, और अगली गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के अंदर जगन मोहन रेड्डी फॉर्म कर सकते हैं।
और दोस्तों आज के जितने भी ट्रेंड है, जितनी भी सीटों पर मैंने देखे, और एनडीए की जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है वो क्लियरली ये दिखाती है कि न्याय जैसी एक स्कीम जो कि कांग्रेस ने प्रपोज करी थी मगर उसको कभी बैक नहीं कर पाए डेटा से, और ऐसा लगता है कि वो अननेचुरल स्कीम है, ऐसा लगता नहीं कि वो कभी अप्लाई हो सकती है, ऐसी स्कीम को दोस्तों देश ने नकारा है। और जो चौकीदार चोर है का एक बड़ा बबल बनाया गया था वो लगता है इस समय फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो को दोस्तों मैं खत्म करना चाहूंगा एक और वीडियो के साथ में, जो कि मुझे एनडीटीवी की एक क्लिपिंग मिली है। ये मुझे इंस्टाग्राम पे एक किसी यूजर ने टैग किया था और मैं उस क्लिपिंग के साथ आपको छोड़कर जाऊंगा, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्लिप आपको कैसी लगी, और उसके अलावा ओवरऑल आप किस सीट पर सबसे ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, किस सीट पर आपको लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, और ओवरऑल क्या एंड में स्कीम बनेगी इस दिन के, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाइएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि दिन के एंड में जो फाइनल पिक्चर बने उस पर भी एक छोटा सा वीडियो इस तरह का आपके पास लेकर आऊं। अगर आपको दोस्तों मेरा पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन या इंस्टा मुझे पे सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे तमाम सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए नोपेन लेटर को। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में किसी और सोशल और पॉलिटिकल इशू पे बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये रुझानों में पता चल रहा है कि कन्हैया भी आगे चल रहे हैं, एक बेगूसराय से कन्हैया भी आगे चल रहे हैं, कन्हैया भी आगे चल रहे हैं, एक बेगूसराय से काफ़ी चर्चा हुई थी। और गुजरात अगर आप देखें तो कांग्रेस को हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस को वहां पे चार सीटों